हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें मैं लेके आया हूँ कि राउंड वन से पहले चार इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपको बिफोर एडमिशन उसको कंसीडर करना है। यानी कि एडमिशन पहले आपको ये चार बात जरूर से ध्यान में लगनी है। सो ऐसी चार इम्पोर्टेंट टिप्स मैं लेके आया हूँ राउंड वन से पहले। सो टाइम टेबल देख लीजिए एक बार, राउंड वन का कितना है, 15 से लेके 19 तक, और उसका रिजल्ट आएगा 22 तक। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि ACP से इस डेट को थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा उसके चांसेस है। आप क्या सोचते हैं इसकी कमेंट नीचे जरूर से करना, ठीक है। सो सबसे पहली बात है कि हॉस्टल और PG। सो जैसे ही आप राउंड वन के लिए चॉइस फिलिंग करें, उससे पहले ये बात जरूर से कंसीडर कर ले कि आपको वहाँ पे स्टे करना कहाँ, मतलब स्टे कहाँ करना है आपको, हॉस्टल में जाना है या फिर PG में। भले ही आप हॉस्टल में जाए या PG में जाए, जब भी आप कैंपस विजिट पे जाए इसके इंफॉर्मेशन जरूर से लेना। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है, क्योंकि आगे मैं एक वीडियो लेने वाला हूँ जिसमें है कोस्टिंग। अब आपको 4 साल का कोस्ट भी काउंट करके चलना है। सो आपको कहाँ पे स्टे करना है, हॉस्टल या फिर PG में, ये जरूर से इंपॉर्टेंट है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड बिफोर टेकिंग एडमिशन हॉस्टल और PG। आई विल ऑल्सो क्रिएट अ सेपरेट वीडियो जहाँ पे मैं सिर्फ कोस्टिंग के ही बात करने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर आप बिफोर एडमिशन आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप वहाँ पे हॉस्टल में रहोगे या फिर PG में, तो वो काफी आपको हेल्प करेगा आगे चल के। और हॉस्टल और PG में मैं एक सेपरेट कोस्टिंग के ऊपर ही वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको एक पूरा का पूरा टेबल बनाऊंगा, जिसमें पहला होगा हॉस्टल, दूसरा होगा PG, दोनों में कितने कितने खर्च आएंगे, कितना का 1 महीने का खर्च कितना होगा, एवरेज कितना निकलेगा, दूसरे खर्चे कितने होंगे हॉस्टल वर्सेस PG में, ठीक है। बट अभी उसके लिए दे रहे हैं, बट आपको अभी सिर्फ ये डिसाइड करके चलना है कि आप हॉस्टल में जाना चाहते हो या फिर PG में, ठीक है। फिर कैलकुलेट बाय ऑल योर कॉस्ट ऑफ 4 ईयर। यहाँ पे मैं कॉस्टिंग का इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 4 साल के दौरान आपके पास क्या क्या कॉस्ट लगने वाले हैं, आपको मतलब कितने तरह के कॉस्ट लगने वाले हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी कॉस्ट, मेक अ लिस्ट, कैलकुलेट ऑल योर कॉस्ट एंड कंपेयर विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे लास्ट में मैं क्या लिखा हूँ कि इनकम मतलब आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, इनकम एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आप कितने खर्च करते हैं, यानी कि कितने रुपए उड़ाते हैं। उड़ाते तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब कितने यूज होते हैं, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, मैं यहाँ पे आपको कॉस्ट की बात करता हूँ। अभी आपको सिर्फ इतना ही आइडिया होगा कि एक होगी एडमिशन की फीस, टोकन फी होगी, फिर होगी कॉलेज की फी, हॉस्टल की फी, बस इतने में आपका निकल जाएगा। बट ऐसा नहीं है, आप जब इंजीनियरिंग में आओगे तब काफी डिफरेंट तरह के खर्चे होने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं उसकी एक सिंपल लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात कौन सी आएगी, पहली आएगी सेमेस्टर की फी, दूसरी आएगी हॉस्टल और PG की फीस, फिर तीसरी आएगी आपके ट्रांसपोर्ट की फी, चौथी आएगी आपके फूड और वो सारी की चीज, फिफ्थ आएगी कि मान लीजिए कि आप कहीं पे क्या बोलते हैं कि ट्रिप पे जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपका एक सेमेस्टर होता है 6 महीने का। अब 6 महीने में ऐसा तो बिल्कुल होगा नहीं ना कि आप हॉस्टल से निकलेंगे सीधा जाएंगे कॉलेज, कॉलेज से निकलेंगे सीधा आएंगे हॉस्टल, ऐसा तो होता नहीं है। आप कहीं ना कभी, कभी ना कभी तो ट्रिप के लिए जाते, तो ऐसे सारे छोटे छोटे आपको एक खर्च भी निकालने होंगे, तभी आप अच्छे से एक बजट बना पाएंगे 4 साल इंजीनियरिंग का, ठीक है। इसके अलावा खाने का खर्चा होता है, फिर मान लीजिए कि कभी कभी आप सैटरडे और संडे को, PG में ऐसा होता है कि संडे का खाना नहीं बनता है, संडे में ऑलवेज आपको बाहर जाना पड़ता है, ठीक है। तो फिर संडे में आप अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ का बिल इतना आएगा, और मेगा सिटी में जितने मेगा सिटी उतने ही खर्चे ज्यादा होंगे। मान लीजिए अहमदाबाद में जाते हो तो फिर वहाँ की लाइफस्टाइल के खर्चे भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से कीजिए कि आप जैसे ही बजट बनाए उसमें एक अदर करके उसमें 1000 या 2000 ऐसा आप मनी ऐड कर देना, ठीक है। वो फिर भले ही आप स्पेसिफिक नहीं हो, बट एक 1000 या फिर 2000 ऐसे अदर करके छोड़ देना, तो आपको काफी इजीली फाइंड हो जाएगा कि कितना आपको कॉस्ट लगेगा, एक मंथ में आपको कितने 4 5 6 हजार कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी। आफ्टर सब कुछ आपने फीस निकाली, हॉस्टल का खर्चा निकाला, उसके अलावा आपको कितने रुपए चाहेंगे एक महीने के लिए, ठीक है। सो जैसे ही आप अपना एडमिशन कंफर्म करें उससे पहले ये जरूर से देख लेना कॉस्टिंग, ठीक है। थर्ड इज द गो विथ योर गोल। ये मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ कि इफ योर एम इज फिक्स, सो इट विल रियली हेल्प टू फाइंड अ कॉलेज एंड स्टडी इन द कॉलेज। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि मेरा गोल फिक्स ही है कि मुझे 4 साल के बाद प्लेसमेंट ही लेना है। सो पहले दिन से ही आपका एम फिक्स है तो आपको स्टडी करने में काफी इजिली होगी। आप स्टडी उसी सब्जेक्ट पे फोकस करोगे जो सब्जेक्ट आपके प्लेसमेंट में इंपॉर्टेंट हो, ना कि गेट के लिए। आप स्टडी वही सब्जेक्ट करोगे जो प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा वेटेज रखते हो, ऐसे सब कुछ, ठीक है। सो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट अभी से आप जस्ट डिसाइड कीजिए कि आपको प्लेसमेंट लेना है, आपको IIT में जाना है, आपको एब्रॉड जाना है, आपको अपना स्टार्टअप करना है, ये सारे के ऊपर अच्छे से मैं गाइडेंस दे दूंगा आगे चल के। बट अभी सिंपली एक गोल फिक्स कर देना, ठीक है। फिर आगे तो मैं ऑलवेज आई विल देयर फॉर हेल्प यू, ठीक है।
और इसमें आता है प्लेसमेंट, गेट, अब्रॉड, यूपीएससी, स्टार्टअप, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आर्म फोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, फिर काफी सारे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे आगे चल के। बट अभी से एक गोल फिक्स हो, अपना एम डिसाइडेड हो, तो फिर आपको आगे चल के स्टडी में काफी अच्छे से आसानी होगी। सो राउंड वन से पहले ही अपना एम डिसाइड कर लेना, ठीक है। फोर्थ क्या है कि अरेंज योर कॉलेज एज पर मेरिट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक राउंड वन के लिए एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट ही बना के दे दूंगा और उसकी लिंक आपको नीचे आई बटन में मिल जाएगी। सॉरी, ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। इसमें क्या होगा कि मैंने राउंड वन के ऊपर 5 वीडियोस बनाए हैं। एक में स्पेसिफिक आपको बताया कि आपको फर्स्ट रैंक पे कौन सी राउंड वन में कॉलेज रखनी चाहिए, दूसरे में बताया कि राउंड वन में कॉलेज किस तरह से सिलेक्ट करें, तीसरे में 5 कॉमन मिस्टेक मैंने की है राउंड वन की, ठीक है। और ऐसा सब कुछ एक प्लेलिस्ट हो जाएगी तो आपको काफी अच्छा हो जाएगा राउंड वन की चॉइस फिलिंग करने में, ठीक है। और अरेंज द कॉलेज एज पर मॉक टेस्ट, यहाँ पे मैं इसकी ज्यादातर बातें नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है ऑलरेडी, तो ये वीडियो लंबा ना हो जाए, लंबा आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए मैं आपको सिंपली एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आप वो वीडियो देख लीजिए तो आपको काफी अच्छा होगा। अब मॉक का क्या है कि मॉक में मान लीजिए चौथे नंबर की कॉलेज आई तो 3 4 5 6 7 ऐसे करके रिपीट करना, ठीक है। पहली दूसरी भले ही नहीं आई हो बट यहाँ पे रखना 3rd 4 5 6 7 इसी तरह से, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट में डाल देना या फिर पुरानी वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। और लास्ट में है ये स्टार मार्क है कैंपस विजिट का। कैंपस विजिट का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आपको ग्राउंड रियलिटी पता चले, आप वहाँ के स्टूडेंट के साथ बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है, कितनी कंपनीज आती है, कितनी अच्छी अच्छी जो बातें वेबसाइट पे की है वो रियलिटी में कितनी है, ऐसी सारी सब कुछ बातें आपको कैंपस विजिट में पता चल जाएगी, ठीक है। सो हियर आई जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प यू विद द यहाँ पे लास्ट में मैं क्या आपको क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। हियर आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट इट विल रियली हेल्प यू, यहाँ पे मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ कि ये काफी हेल्प करेगा आपको कॉलेज सिलेक्शन में, ठीक है। और कनेक्ट विथ मी, आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो नीचे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, सारे की सारी मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नीचे लिंक आपको दी रहेगी और दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। एज ऑलवेज लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू।